जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए। सरकार हमको कह रही है फिर से हम सेटल पहली बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाते हैं क्या, सारी मम्मियां जला के मार दी जाती हैं। शंकर लाल नामदेव बनाम, शंकर लाल नामदेव बनाम मध्य प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश राज्य 2024 MPHC, MP हाई कोर्ट का है ना, MPHC के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह अवनिर्धारित किया कि बिना किसी सिफारिश के केवल ICC की कार्रवाई, आंतरिक प्रवास समिति ब्रैकेट में लिख लेना ICC, आंतरिक प्रवास समिति की कार्रवाई लंबित होने के कारण अभियुक्त का स्थानांतरण अनुचित है। इसका मतलब समझिए आप, क्या पढ़ा हमने सेक्शन 12 में, सेक्शन 12 हमने जस्ट अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था सेक्शन 12 में कि ये देखिए, ये ट्रांसफर की बात आई कि नियोजक अगर चाहे, ठीक है, यहां पर क्या हो सकता है, व्यथित जो महिला है वो रिक्वेस्ट कर सकती है रिटर्न में आंतरिक समिति या लोकल कमेटी को कि वो अभियुक्त का या उसका क्या कर दें, ट्रांसफर कर दें, ठीक है। लेकिन फिर ये सिफारिश करेगी नियोजक से, लेकिन सिफारिश पर करना है ट्रांसफर। और जो प्रेजेंट केस था हमारा ये वाला, इसमें एक SI था, SI, ठीक है, पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, तो उसके ऊपर आरोप लगाया गया था, किसी कलीग ने आरोप लगाया सेक्सुअल हैरेसमेंट का, तो उसका सिफारिश कुछ नहीं की, मतलब जो ICC है उसने कोई सिफारिश नहीं की, और जो उनके सीनियर अथॉरिटीज थे जो अधिकृत हैं ट्रांसफर के लिए, उन्होंने उसका ट्रांसफर कर दिया, तो उसके अगेंस्ट में चला गया हाई कोर्ट। ने कहा, उन्हें कहा कि ये जो मेरा ट्रांसफर है ये मेलिशियस है, मतलब उसके व्यक्तिगत अपनी जो दुर्भावना थी उसका फायदा इसके जरिए उठा रहा है, कह रहा है अभी मेरे अगेंस्ट में जांच लंबित है ICC में, और ICC ने मुझे गिल्टी पाया नहीं है, और इसी ड्यूरेशन में, और ICC ने सिफारिश भी नहीं की है, तो उन्हें कहा कि सेक्शन 12 अप्लाई नहीं होता। सेक्शन 12 ये कहता है कि विक्टिम्स पहले उससे रिक्वेस्ट करेगी, फिर वो सिफारिश करेगी, तब आप ट्रांसफर कर सकते हैं, और यहाँ आपने बिना सिफारिश के कर दिए। Subscribe for more content.